आज मेरी लड़की MS स्कूल पढ़ने जा रही, करीब 13-14 वर्ष की लड़की है निकिता, 9वीं में पढ़ रही है। तो मेरी लड़की जब जा रही तो नहर पे ही खालिक और जावेद और बबलू, ये तीनों दो आदमी और थे, वो पहचान नहीं पाई लड़की बाहर के, और तीन मोटरसाइकिलें थी। मेरी लड़की को खींच रहे थे और मारा भी मेरी लड़की को खींच रहे, मोटरसाइकिल पे बिठा रहे थे। दूर तक कोई आदमी दिखाने, अचानक एक मोटरसाइकिल आई। मोटरसाइकिल आने के बाद में जब वहाँ तक मोड़ पर मोटरसाइकिल मुड़ी तो वो देख कर एकदम भाग गए। कौन से गांव का मामला है? रुस्तमपुर तिगरी, और थाना भोजपुर है, और ग्राम प्रधान ने पीछे भी मुझे अक्टूबर के महीने में एक केस में मुझे फांस दिया था 76 के में, जो का मेरा नाम राशि जाटव चंद्रपाल था, वो मुलजिम था, मगर उसने मुझे मेरा भी नाम चंद्रपाल है, मुझे मैं दिल्ली से आया, जब भी मुझे फांसा था मेरे पीछे रंजीश में प्रधान मानना चाहता है मुझे। अब क्या कहते हैं, दोबारा आज कोई दोबारा तहरीर दी पुलिस को तुमने? आज मैं डर के मारे मैंने सर नहीं दी, जब परसों ही मुझे मानना चाहा घेर लिया रास्ता, मैं परसों पुलिस 100 नंबर बुलाई, थाने की पुलिस आई, उनमें बैठ के थाने गया, उसके बाद आज फिर उनको खालिक को बैठा भी लिया था परसों, तो फिर छोड़ दिया पुलिस ने। अब आज मैं डर के मारे नहीं जैसे तैसे करके छुप छुपा कर नदियों किनारों में अपने बच्चों को लेकर मुरादाबाद भागा हूँ। पहले भी मैंने कहा था कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, 56-3 के मुकदमे मुझे उल्टा फांसना चाहते हैं, छेड़छाड़ का केस, और मैं सर यही कहता हूँ कि CBI जांच डाली जाए, इसकी बारीकी तरीके से जाँच कराई जाए, झूठ और सच का सामना कराया जाए, पुलिस की मिली भगत। नाम है आपका? लल्ला बाबू ड्राइवर। क्या मामला है, ये जो परिवार वालों को मेडिकल कराने लेके आए हैं, अब क्या मामला है आपका? असली मामला ये है कि वहाँ के लोग इसे वहाँ से भगाना चाहते हैं, और यह हालत है कि तीसरी चौथी वारदात इसके साथ है, इसके बच्चों के साथ है, घरों से पानी नहीं पीने दिया, अभी पीछे आपके चैनलों पर भी चला था, व्हाट्सएप पर भी चला था। हालात ये हैं कि जहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं कि घर है वाल्मीकि लोग, वहाँ से ऐसी वो हो गई है कि गांव से भगाना चाहते हैं, और थाना पुलिस, संबंधित थाना पुलिस उसका कुछ नहीं करती। इस घटना में सबसे ज़्यादा दोष भोजपुर थाने का है, अगर ये पहली घटना में भोजपुर थाना इसको देख लेते तो ये वारदात नहीं, ये तीसरी वारदात नहीं होती, पुलिस निकम्मी हो चुकी है भोजपुर थाने की। मेरा मानना यह है कि पूरे थाने को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और इस घटना को बारीकी से देख लेना, किसी टाइम बहुत बड़ा वो हो जाएगा, क्योंकि जब सब हम एक होकर रोड पर उतर आएंगे तो उसका खमियाजा पब्लिक पर भी पड़ता है जब रोड पर उतरते हैं, और शासन प्रशासन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब कोई शिकायत इनको लेके कहीं? मैंने अभी CO हाईवे को फ़ोन किया था, मैं उनके पास जा रहा हूँ, अगर मुकदमा कायम नहीं हुआ तो 12 तारीख के लिए हम कलेक्ट्रेट पर हल्ला होगा।